वेलकम सभी दोस्तों का स्वागत है। ये सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का जो है वो आज आप नज़ारा लीजिएगा कि कैसी कैसी जगहों से हम जो है वो जा रहे हैं और कैसी कैसी जगहें आपको देखने को मिलेगी। वीडियो देखिएगा। ये देखो जी, यहाँ पे ना ये बिल्कुल पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, और ये इलाके जो हैं वो ऐसे सुनसान जैसे दिख रहे हैं। पता नहीं ये तब दिख रहे हैं कि जो रेल की पटड़ियाँ होती हैं ना, है ना, तो वो थोड़ी सी जो है वो ऐसा साइड साइड से निकलती हैं, तब लगता होगा। और ये देखिए घर जो है ना वो हमारे घरों से काफ़ी अजीब जैसे होते हैं ना, तो क्योंकि ये ना बहुत ऊंचे घर होते हैं, काफ़ी 10-12 फुट हाइट के होते हैं। यहाँ पे तो ये छोटे छोटे से ही होते हैं। और ये देखिए बिल्कुल सूखे सूखे से इलाके हैं यहाँ पे, और कहीं तो आग भी लगी होती है। तो देखिए पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं यहाँ। अब सफ़र में ही है भाई, 12 को 24 घंटे सफ़र में ही है, तो सफ़र का ही वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और जहाँ पे उतरेंगे तो वहाँ का भी हम शेयर कर लेंगे। तो ये देखिए ऐसा जैसे इलाके यहाँ पे। तो पीछे आपने देखा कि कितने सूखे सूखे से इलाके थे, तो यहाँ पे देखिए हरियाली सी दिख रही है। मतलब यहाँ पे पानी भी जो है, पानी का सोर्स भी है, और यहाँ पे खेती भी दिख रही है कि हरी भरी खेती भी है। तो ये जो ये इलाके हैं इनमें मतलब जो है वो पानी लग रहा होगा। और ये देखिए सबसे बड़ी बात और बहुत अच्छी बात कि देखिए कैसे ये केलों की खेती जो यहाँ पे की जाती होगी, तो इसके बारे में भी पूछते हैं किसी से तो और से भी। अभी यहाँ पे ना पता नहीं कौन सा स्टेशन है भाई, यहाँ पे गाड़ी रुकी है, और हम यहाँ पे ना बस ऐसे ही जो है वो बैठे हैं। तो बैठना ही, और हम कर भी क्या सकते हैं, बैठ ही सकते हैं क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, और फिर करने को भी कुछ नहीं है, फिर बस कुछ खा रहे हैं, कुछ लेट के, कुछ बैठ के, कुछ देख के। पीछे जो इलाके देखे हमने ना वो बिल्कुल सूखे सूखे थे, आप लोगों ने भी देखे होंगे वीडियो में पीछे, तो वो कितने और जैसे थे। और यहाँ पे देखिए अब बहुत सारे ना केले के बगीचे हैं, तो यहाँ पे ये ज़मीन जो है उपजाऊ भी है और पानी लगती भी है। तो दिखाता हूँ मैं बैक कैमरा से, ये देखिए कितनी धूप है, तेज़ धूप है ना, दिख नहीं रहे तेज़ धूप में, लेकिन ये जो ये खेत हैं ये देखिए केले केले हैं सारे, जहाँ भी है केलों के बगीचा है। तो अभी जगह देखते हैं कौन सी, तो अभी चलते हैं बाहर, मैं चलता हूँ और आपको भी ले चलता हूँ उस स्टेशन के बाहर। तो चलिए फिर हमारे साथ, और हम देख लेते हैं बाहर थोड़ा सा जो है वो घूम के, है ना। ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है भाई, यहाँ पे गाड़ी रुकी है अभी, और ये देखिए यहाँ पे है वो, मैंने अभी दिखाया ना आपको, तो शीशे में साफ नहीं दिख रहा था। तो यहाँ देखिए आप केले का बगीचा है ना, और ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेन जो है यहाँ पे रुकी है, 401 जगह कुछ क्या पता नहीं, टीपी जो भी है, तो ये यहाँ पे रुकी है। और ये देखिए यहाँ पे जो खेत दिखाया मैंने, मैं देखिए यहाँ से जो है वो अभी नीचे उतरा था ना, तो यहाँ से गाड़ी चलना शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी हाइट है और मैं यहाँ से लटका हूँ। यहाँ पे धूप भी बहुत तेज है ना, ये देखिए। तो यार ये बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे, और ये जो ये यहाँ पे ना ये एंगल जैसे पकड़ने को, ये भी जो है वो बहुत गर्म हो चुके हैं। और ये देखो मतलब
मजा भी आता है भाई, ऐसा नहीं कुछ नहीं, लंबा सफर हो मजा भी आता है, पर भाई बोर भी इतने होते हैं, पर क्या करना। अब देखो सारे सुख तो इकट्ठे मिलेंगे नहीं, एक तो ऑर्डिनरी बस में और वॉल्वो में भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पर इस दिन ये इतना नहीं होता मेरे, है ना, इतनी दिक्कत नहीं होती है, आराम से जो है वो बैठ सकते हैं, पूरा मतलब मज़ा ले सकते हैं। और फिर इतने लंबे सफ़र में ना, है ना, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, पर ट्रेन ना, ट्रेन की जो पटरी होती है वो दूसरी साइड की होती है, कौन सी जगह है सर ये? सर ये वडोदरा, गुजरात। गुजरात है? है, तभी हमारे को लग रहा है पीछे जो इलाके थे वो बिल्कुल सूखे पड़े थे ना, और यहाँ पे हरियाली है और यहाँ पे पानी का भी सोर्स होगा ना, और खेती भी थोड़ी सी मतलब वैज्ञानिक तरीके से भी है, नहर भी है। अच्छा जी, यहाँ विकास है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा लग रहा है जैसे वैज्ञानिक तरीके से जो है वो खेती की जाती है, हर समय खेती होती है। अब ये गर्मी की खेती है, केला, पानी है, हरियाली, हरी भरी हो रही है, बगीचे ये पूरे पूरे है ना। अच्छा, फिर ये एक ही साल चलती है, तो मतलब दो साल चलती है फसल, है ना, एक बार काट के फिर दोबारा से हो जाएगी ना। अच्छा, फिर उसके बाद दोबारा से, फिर दोबारा से आप चाहे केला बो दो चाहे गन्ना की खेती बो दो। तो देखा, इन्होंने हमें बताया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ये यहाँ सर्विस भी करते हैं और यहीं के नज़दीक के होंगे ना। कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से, दिल्ली के पास गए पर सर्विस करते हैं ना, तो आप कंटिन्यू आपका आना जाना यहाँ से, तो अच्छा लगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कौन सी जगह है और इतनी अच्छी खेती भी यहाँ पे हो रही है। आप दिल्ली से आ रहे हो? दिल्ली से, दिल्ली से ऊपर से, जो ये हमारे नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हम वहाँ से आए हैं और स्पेशल ये यूट्यूब के चक्कर में आए हैं हम यहाँ पे, यूट्यूब के चक्कर में हम यहाँ पे आए हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे और ऐसे लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या है, और थोड़ा सा काम है यूट्यूब के ही खेती करो वहाँ पे, जहाँ वहाँ दिखाओगे वहाँ ऐसी खेती करो वहाँ जाके। हाँ सही बात है, ये हाँ बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, बाय सर, बाय तो कर लो। तो ये देखिए, दूसरी ट्रेन जा रही थी ना, पास कर रही थी, तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि कितनी लंबी ट्रेन है, और भाई बहुत ही मस्त लग रहा था ना, छक 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 छक, इतनी लंबी ट्रेन। और हमारे यहाँ हिमाचल में चलती है ना जो ट्रेन, वो मतलब बहुत छोटी होती है, इससे बहुत छोटी, तो ये काफ़ी लंबी और बहुत तेज़ी से चलते हैं, तो जब दोनों ट्रेनें चलती है ना तब तो इतनी हवा लगती है ना, बीच में कोई आ गया तो भाई वो तो उड़ जाएगा, इतना खतरनाक लगता है, डर भी लगता है। और ये देखिए कितनी लंबी ट्रेन थी ये, है ना, ऐसी लंबी ये दूसरी ट्रेन भी थी। और अब देखिए जी, अब ये हमारे वाली ट्रेन भी चल रही है, मैं ऐसे लटका हूँ, मेरे को मज़ा भी आ रहा था, डर भी लग रहा था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहली बार जो है वो इतने लंबे सफ़र पे जा रहा था, तो डर भी लग रहा था और मज़ा भी आ रहा था। अभी धीरे धीरे चली है ना ये, तब लटक गया मैं, बाकी तेज़ चले भाई तब तो नहीं लटक सकता। और फिर आगे देखिए, अभी स्टेशन पर रुकेगी गाड़ी, तो ये हमारे लिए जो है वो नई चीज़ थी भाई, बड़ा पाव कुछ क्या बोलते हैं, सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर उतरिए, कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी नंबर 2293 बांद्रा जंक्शन सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 ये देखिए बड़ौदा स्टेशन आ गया है, और यहाँ पे जो है वो गाड़ी रुकी है, तो यहाँ पे यात्री कुछ चढ़ रहे हैं कुछ उतर रहे हैं, और दूसरी ट्रेन भी यहाँ पे सुपर फास्ट एक्सप्रेस चली है, तो उसमें भी उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, तो सारे यात्री इधर उधर घूम रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये बड़ा पाव जो है यहाँ पे मिला हमें खाने के लिए, तो ये बड़ा पाव जो है अभी खाया हमने, और देखते हैं कैसा टेस्ट है, खाते हैं देखते हैं। बढ़िया है खाने में तो, टेस्टी है, और ये सॉस है, सॉस भी मिली हमें।
वड़ा पाव, वाह खा लेते हैं, स्वाद होता है ना देखता हूँ मैं भी। मैंने एक ही निवाला लिया है, दूसरा भी ले लेता हूँ देखता हूँ। यहाँ पे सोच रहा था मैं कुछ, एक मिनट कैमरा साफ कर लेता हूँ। यहाँ पे सोच रहा था कुछ खाने को लेते हैं थोड़ा सा, और मतलब रास्ते के लिए। वैसे तो बहुत सारा है खाने के, दीदी ने दे रखा है, तो पर फिर भी सोच रहा था थोड़ा सा और देख लेता हूँ मोमोज अगर मिल जाते हैं। तो यहाँ पे नहीं है मोमोज यार, नहीं मिल रहा है। तो देखिए मालगाड़ी जा रही है वहाँ से और स्टेशन। हाँ कौन कौन सी दाना और आपका घोड़े सिंह दाना? हाँ अच्छा, सिंह दाना कैसा होता है? ये सामने ये ना सर मंदबिन पे, ये गोल गोल जैसे, ये सिंह का सा बोलते हैं इसको, भूपति का सा। अच्छा ये है सिंह दाना, किस चीज़ का बना हुआ है? भूपति का ही है सर, मूंगफली का बना हुआ है। और दिवाली दूसरा कैसा है आपने? बड़ा पाव पकौड़ी, पकौड़ी तो ये पकौड़ी है, ये गोल गोल जैसे सामने वो सिंह दाल। देखो हमने कितना सफ़र काट लिया, पर यहाँ पे आके हमें पानी दिखा, इतना ज़्यादा पानी, वह बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे। देखिए देख रहे हैं ना आप कितनी दूर से हम चल रहे हैं, और उतनी दूर पे पता नहीं अब ये कौन सी जगह है, पर ये सूरत से थोड़ी सी पीछे का सीन है। तो ये देखिए पहुंच गए हम सूरत, यहाँ पे गुजरात में पड़ता है सूरत, तो यहाँ पे पहुँच गए हैं और काफ़ी टाइम सारे साथ हुए हैं। इस वाली ट्रेन में हम आए थे और यहाँ पे ये दो तीन ट्रेनें और लगी है, देखिए है। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे जहां हमने जाना था, उस स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, बट यहां से भी हमें आगे और जाना है थोड़ा सा, वो हम ऐसे छोटे ऑटो वगैरह करके जाएंगे। और यहीं पे हम वीडियो का एंड कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करिएगा, उसमें आपको फिर और कुछ नया दिखाएँगे। तब तक बाय।